अस्सलामु अलैकुम आदाब दोस्तों, मैं शमीम अख्तर जी एम आई इंफॉर्मेशन चैनल जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली से। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं और एक अहम इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण न्यूज़ लेकर के आए हैं, बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, तलबा तलबात छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशी की बात है और जामिया बिरादरी के लिए कि जामिया मिलिया इस्लामिया पूरे मुल्क में, पूरे भारत में NIRF रैंकिंग में तीसरा मकाम हासिल किया है। दोस्तों तो इस सिलसिले में देखते हैं जामिया पब्लिक रिलेशन ऑफिस की तरफ से क्या नोटिफिकेशन है, क्या ख़बरें हैं। दोस्तों तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्लिक करते हैं और इसमें जाकर के किसी भी लैंग्वेज में हम देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों ये जामिया मिलिया इस्लामिया प्रेस रिलीज की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन है। NIRF 2022 GMI एमर्ज एज थर्ड टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री। जामिया मिलिया इस्लामिया NEC A++ accredited university secured third rank among all the universities in the Ministry of Education National Institutional Ranking Framework NIRF 2022 ranking released by the Honorable Education Minister Shri Dharmendra Pradhan. Today JMI significantly improved its position from 6th last year in the NIRF, the Ministry of Education, Government of India had instated ranking of higher educational institution in the country. JMI Vice Chancellor Professor Najma Akhtar received the award from the Honorable Education Minister Shri Dharmendra Pradhan today at an impressive function organized by the ministry to declare the ranking. The Vice Chancellor Professor Najma Akhtar said, by the grace of Almighty, JMI has been climbing up the university has been making consistent efforts to improve the quality of the teaching, learning and research. दोस्तों इस नोटिफिकेशन में यही बताया गया है दोस्तों कि जामिया मिलिया इस्लामिया पूरे मुल्क में, पूरे भारत में दोस्तों तीसरा मकाम हासिल किया है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में। दोस्तों ये एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से हर साल सर्वे कराती है एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन रिसर्च। तो इसमें जामिया मिलिया इस्लामिया का पूरे मुल्क में तीसरा मकाम हासिल करना बहुत बड़ी बात है और बड़ी खुशखबरी है कि जामिया मिलिया इस्लामिया A++ यूनिवर्सिटी ने वज़ीर तालीम जनाब धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से आज जारी करदा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में मुल्क की तमाम यूनिवर्सिटियों में तीसरी पोजीशन हासिल की है। जामिया मिलिया ने NIRF की गुज़श्ता साल की अपनी छठी रैंक से इस साल मज़ीद बेहतर मुजाहरा किया। इस सिलसिले में प्रोफेसर नजमा अख्तर शेखुल जामिया वाइस चांसलर जामिया मिलिया इस्लामिया ने कहा कि अल्लाह के फजल व करम से जामिया मिलिया इस्लामिया लगातार तरक्की की नई नई मंजिलें तय कर रहा है कि यूनिवर्सिटी में तदरीस और तहकीक के मेयार को बेहतर करने के लिए
मतवातिर जिद्दोजहद कर रही है। 2016 की NIRF रैंकिंग में हमें 83 मकाम हासिल था, जो साल 2021 में छठा मकाम हो गया। आज मुल्क की 3 सबसे आला यूनिवर्सिटियों में से एक है जामिया मिल्लिया इस्लामिया। ये सब यूनिवर्सिटी के मुखलिस और मेहनती फैकल्टी अराकीन की आला मियार की मरकूज़ और बामानी तदरीस और मियारी तहकीक की वजह से ही मुमकिन हो सका है। इन्होंने मज़ीद कहा कि यूनिवर्सिटी के विज़न को हकीकत बनाने के लिए पाबंद अहद हैं और हम कौमी और बैनल अक्वामी रैंकिंग में मज़ीद बेहतर करने के लिए बतस्तूर कोशिश करते रहेंगे। शेखुल जामिया वाइस चांसलर जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने तदरीस और मुलाजिमत के मौके की दस्तयाबी और तहकीक वगैरह के तनाजुर में यूनिवर्सिटी के मुतालिक बेहतर होते इस एहसास से भी उसको जोड़ कर देखा है कि बड़ी तादाद में जामिया मिल्लिया इस्लामिया में दरख्वास्तों एप्लीकेशंस का मौसूल होना इस बात का सबूत है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया की एक अहम पसंद बन गई है तमाम तलबा के लिए, तमाम छात्र छात्राओं के लिए, तमाम स्टूडेंट के लिए। हमें तवक्को है कि आइंदा बरसों में हम सब और भी बेहतर करेंगे। ये मज़ीद जामिया मिल्लिया इस्लामिया वाइस चांसलर नजमा अख्तर, प्रोफेसर नजमा अख्तर ने कहा है। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी है। काबिल ज़िक्र है कि यूनिवर्सिटी ने NIRF की साल 2022 में तहकीक के ज़ुमरे में 30वीं रैंक के मुकाबले में इस मरतबा तहकीक के ज़ुमरे में 19वीं रैंक हासिल की है। ये भी बड़ी खुशखबरी है। और दिन ब दिन जामिया मिल्लिया इस्लामिया उरूज के मनाजिल तय कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन था। और पूरे मुल्क पूरे भारत में जामिया मिल्लिया इस्लामिया 3रा मकाम हासिल किया है NIRF की तरफ से रैंकिंग में। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसी तरह हम नया वीडियो लेकर के आएंगे और एक से एक इन्फॉर्मेशन एजुकेशन से रिलेटेड जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तरफ से हम लेकर के आएंगे। कोई भी क्यूरी हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।